वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। जैसे हम लोग देख सकते हैं, हम लोग ने ऑलरेडी एंड्रॉयड प्लेलिस्ट डाल चुकी है। अभी हम लोग का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विजेट्स। विजेट्स क्या होते हैं वो मैं आपको एक सिंपल सरल भाषा में बता देता हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लेआउट्स क्या होते हैं। लेआउट मतलब एक ढांचा होता है, जैसे उसका विथ होता है, उसका हाइट होगा। लेकिन विजेट्स क्या होते हैं वो ये हो गए, जैसे कि ये एक आप पकड़ सकते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये एक बटन है, तो एक विजेट हो गया, दो विजेट हो गया, तीन विजेट, चार विजेट। तो आप विजेट्स कहाँ प्लेस होते हैं? विजेट्स हमेशा लेआउट में के अंदर प्लेस हो सकते हैं। तो आपको मैंने कुछ डेफिनेशन मेरे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, व्हाट इज़ अ विजेट? विजेट इज़ नथिंग बट अ स्मॉल इंटरैक्टिव कॉम्पोनेंट दैट कैन बी एडेड टू द होम स्क्रीन ऑफ द डिवाइस। किसी भी डिवाइस के स्क्रीन में हम लोग विजेट्स को प्लेस कर सकते हैं। आज जो हम लोग विजेट्स यूज़ करने वाले हैं वो है एडिट टेक्स्ट, इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, बटन। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझा दूँ, एडिट टेक्स्ट क्या होता है? अगर जब भी आपको यूज़र से इनपुट लेना है तब आप एडिट टेक्स्ट यूज़ करो, जहाँ पे यूज़र इनपुट डालेगा। जैसे कि मुझे मेरा नाम डालना है रोशन, तो मैं एडिट टेक्स्ट डाल दूँगा। इमेज व्यू क्या होता है? कोई भी इमेज आपको ऐप में दिखाना है तो उसके लिए इमेज व्यू आप यूज़ कर सकते हो। मेरे प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन कैसे बनाते हैं, वहाँ पे मैंने इमेज व्यू यूज़ कैसे करते वो मैंने आपको बताया था। उसको एक बार वापस से मैं रिकैप कर लूँगा। टेक्स्ट व्यू क्या होता है? कोई भी आप टेक्स्ट दिखा सकते हो, कोई भी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक स्टैटिक टेक्स्ट दिखाना है, जैसे कि आप देख सकते हो डिजिटेक। तो डिजिटेक एक नॉर्मल टेक्स्ट है ना, इसमें मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ ना क्लिक हो पा रहा है, नॉर्मल टेक्स्ट है। तो इस जगह पे हम लोग टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बटन क्या हो गया? किसी पे क्लिक करना है, जैसे कि आप कोई भी लॉगिन फॉर्म देख लो, दो एडिट टेक्स्ट रहेंगे, फिर बटन रहेगा लॉगिन का, जिस पे क्लिक करके सिस्टम आगे बढ़ता है। ये तो मैं एक सिंपल सरल भाषा में आपको बता रहा था। अभी मैं थोड़ा सा कोडिंग की तरफ आपको लेके चलता और आपका जो ध्यान है आकर्षित करता हूँ मेरे स्क्रीन पे। ओके दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको विजेट्स और विजेट्स के आज के जो हम लोग विजेट्स कवर अप करने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, बटन और इमेज व्यू, ये सारे विजेट्स को मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो पहला लेआउट जो हम लोग किसी भी बिगनर को मैं सिखाता हूँ हमारे जस्ट एकेडमी में, वो लेआउट का नाम है लीनियर लेआउट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लीनियर लेआउट लेता हूँ। लीनियर लेआउट ले लिया, लीनियर लेआउट का मैंने विड्थ सेट कर दिया मैच पैरेंट और उसका हाइट भी सेट कर दिया मैच पैरेंट। ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस टाइम भी बताई थी। अभी लेआउट में क्या होता है ना, लीनियर लेआउट में दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक, आप उसके अंदर के जो विजेट्स है वो अलॉन्ग द रोज रखो, या फिर उसके अंदर के जो विजेट्स होते हैं वो अलॉन्ग द कॉलम रखो। अलॉन्ग द रोज, अलॉन्ग द कॉलम मतलब हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दो या फिर वर्टिकली प्लेस कर दो। तो सबसे पहले मैं आपको कोई भी विजेट्स को हॉरिजॉन्टली कैसे प्लेस करते हैं वो मैं बताता हूँ। सिंपल ओरिएंटेशन आप हॉरिजॉन्टल डाल दो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे मैं सबसे पहला जो विजेट्स यूज़ करने वाला हूँ वो इमेज व्यू। इमेज व्यू ले लिया, इसको मैंने दे दिया 100 dpi, और इसको भी मैंने दे दिया 100 dpi, और इमेज में मैंने नेटफ्लिक्स का लोगो जो मैंने स्टोर किया था प्रीवियस वीडियो में वो मैंने डाल दिया। आप देख सकते हो मेरा नेटफ्लिक्स का लोगो दिख रहा है। अभी इसी को मैं चार बार डालूँगा। अभी इमेज व्यू एक विजेट है, अभी उसके अंदर मुझे एट्रीब्यूट्स एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन क्या करता है ना, आपके लेआउट के बाहर से स्पेस दे देगा। अगर आप मार्जिन दोगे तो वो टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम चारों तरफ से स्पेस दे देगा। लेकिन अगर आपको बस टॉप से स्पेस चाहिए तो उसके लिए आप देख सकते हो मार्जिन टॉप है। अगर आपको लेफ्ट से चाहिए तो उसके लिए मार्जिन लेफ्ट है, राइट से चाहिए तो मार्जिन राइट है, बॉटम के लिए मार्जिन बॉटम है। आज अभी जो मार्जिन राइट है वो मार्जिन स्टार्ट से रिप्लेस हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं हर जगह से इस मार्जिन दे दूँगा। तो मैंने मार्जिन यूज़ कर लिया, मार्जिन मैंने दे दिया 10 dpi। कितना दे दिया? 10 dpi। अभी आप देख सकते हो मेरा जो इमेज व्यू है ना, वो टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम चारों तरफ से 10 dpi का, मतलब dpi क्या होता है, dpi मतलब डेंसिटी पिक्सल। ओके, तो ये मेरा पहला इमेज व्यू हो गया। अभी हम क्या करते हैं, दूसरा इमेज व्यू ले लेते हैं। ये देखो, दिख रहा है आपको, दो दो इमेज व्यू क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली प्लेस हो गया। लेकिन अगर इसी को मुझे वर्टिकली डालना है, सिंपल आपको ओरिएंटेशन क्या करना पड़ेगा, वर्टिकली डाल देना। आप देख सकते हो मेरा पूरा चीज़ें क्या आ गई, वर्टिकली प्लेस हो गई। ये तो मैं आपको लीनियर लेआउट के बारे में बता रहा था, अभी उसी के चलते चलते मैंने इमेज व्यू भी आपको बता दिया। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये तो एक इमेज व्यू था, ठीक है। अभी मैंने एक ही इमेज व्यू रखा हूँ, अब इसको मैं लेआउट ग्रेविटी क्या कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। सेंटर हो गया लेआउट ग्रेविटी। ये तो पहला विजेट जो मैंने आपको बताया।
नेक्स्ट विजेट की तरफ जाते हैं जिसका नाम है एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट क्या होता है? यूज़र से इनपुट लेने के लिए होता है। कोई भी ऐप में आप देख लो, अगर आप लॉगिन रजिस्टर कर रहे हो तो आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड ये सब आप डालते हैं, तो उसी के लिए एडिट टेक्स्ट यूज़ होता है। किसी में एडिट टेक्स्ट राउंड कॉर्नर होता है, किसी में फुल्ली राउंडेड हो जाता है, या फिर किसी में आप देख सकते हो फ्लोटिंग में रहता है, ऐसे क्लिक किया टप जैसा ऊपर गया। तो ये अलग अलग टाइप के एडिट टेक्स्ट मैं आपको कमिंग वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज मैं बेसिक विजेट्स आपका कवरअप करूँगा। एडिट टेक्स्ट मैंने ले लिया, इसको मैंने विड्थ दे दिया मैच पैरेंट, हाइट दे दिया रैप कंटेंट। आप देख सकते हो मेरा एडिट टेक्स्ट नीचे आ गया यहाँ पे। अभी यूज़र को पता कैसे चलेगा कि भाई यहाँ पे डालना क्या है? इसके लिए यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट्स होता है जिसको बोलते हैं हिंट। हिंट में मैंने डाल दूंगा ईमेल, हिंट में मैं डाल दूंगा ईमेल आईडी। ओके, तो आप देख सकते हो मेरा ईमेल आईडी दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ डालना है। ये एक विजेट हो गया। अभी इसमें भी आपको मार्जिन चाहिए तो सिंपल, आप मार्जिन पास कर दो मार्जिन 10 dp। तो देखो आपके लेआउट से 10 dp का स्पेस ले चुका है। ये एक एडिट टेक्स्ट हो गया। अगर आपको दूसरा एडिट टेक्स्ट डालना है, ये तो मैंने एडिट टेक्स्ट डालना सिखाया, लेट्स टेक एन एग्जांपल। दूसरा एडिट है, सीधा कॉपी पेस्ट मार दो कि आप दूसरा एडिट टेक्स्ट डाल सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं आपको अभी बटन कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर ओपन किया, यहाँ पर मैंने डाल दिया बटन। इसमें बहुत टाइप के आपको बटन दिखेंगे, बटन, ऐप कॉम्पैक्ट बटन, इमेज बटन, बहुत सारे बटन दिखेंगे जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा। तो मैं सबसे पहले बटन ले लेता हूँ। बटन में मैच पैरेंट दे दिया, बटन को रैप कंटेंट दे दिया, और बटन को मैंने टेक्स्ट का साइज़ दे टेक्स्ट दे दिया। टेक्स्ट को मैंने डाल दिया भाई, मेरे बटन का नाम रहेगा लॉगिन। तो आप देख सकते हो लॉगिन दिख रहा है। बटन को मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन मैंने दे दिया 10 dp का। हर जगह पर आप देख सकते हो मैंने मार्जिन कॉन्स्टेंट रखा हूँ, चाहे इमेज हो, चाहे एडिट टेक्स्ट हो, चाहे बटन, हर जगह पर मैंने मार्जिन को कॉन्स्टेंट रखा हूँ। ये तो आप मेरे स्क्रीन पे आपको आउटपुट दिख रहा है, मैं जो जो बना रहा हूँ सब आपको सामने दिख रहा है। अगर आपको कोई टेक्स्ट व्यू यूज़ करना है तो उसके लिए आप टेक्स्ट व्यू यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट व्यू, मैच पैरेंट, रैप कंटेंट, और यहाँ पे टेक्स्ट मैं डाल सकता हूँ। टेक्स्ट मैंने डाल दिया लॉगिन। और अगर आपको टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना है तो आप टेक्स्ट साइज़ यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट साइज़ में आप लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे आप वर्ड पे टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा PPT में बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ में 15 sp ले लिया। तो आप देख सकते हो मेरा टेक्स्ट का साइज़ बढ़ गया है। अगर मुझे टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो ये मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। ओके, तो मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो गया। टेक्स्ट को सेंटर में लेना है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ग्रेविटी सेंटर, देख सकते हो। अगर मुझे टेक्स्ट के साइज़ को और बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ। आप देख सकते हो टेक्स्ट का साइज़। तो बेसिकली जो मुझे आपको समझाना था कि एक लेआउट, लीनियर लेआउट क्या होता है, उसके अंदर जो विजेट्स होते हैं, उसके अंदर नहीं, ये विजेट्स आप रिलेटिव और बाकी भी लेआउट में आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही, जहाँ पर मैंने आपको विजेट्स के बारे में बताया। अब इस विजेट्स को हम सजाते कैसे हैं, जैसे कार्ड व्यू क्या होता है, ओके, फिर एडिट टेक्स्ट को राउंड कॉर्नर कैसे देते हैं, एडिट टेक्स्ट को हम बोलते हैं ना फुल्ली राउंडेड कॉर्नर कैसे देते हैं, शैडो कैसे डालते हैं एडिट टेक्स्ट के अंदर, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के लॉगिन स्क्रीन में आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ। तो इससे हमारा ना एक लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन बनाने का आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो ये तो बेसिक था, मैं आपको आगे के वीडियो में ये चीज़ अच्छे से कवरअप करूँगा। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में एनरोलमेंट करना है तो आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मेरे स्क्रीन पे भी दिख जाएगा और आपके डिस्क्रिप्शन पे भी दिख जाएगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दिख जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो आप अपने दोस्तों, अपने यारों के बीच में जितना ज़्यादा शेयर करें उतना आप शेयर कर सकते हैं। आगे के वीडियोज़ और भी आने वाले हैं। जय श्री राम, शब्बा खैर।